दोस्तों, ये पल्सर BS6 है मेरे पास। मेरे एक बंदा मुझे काफ़ी कमेंट करता रहता है कि भाई आप साइड स्टैंड सेंसर को बाईपास करके दिखाइए। इसके साइड स्टैंड सेंसर की बाईपास की वीडियो काफ़ी पड़ी है यूट्यूब पर, लेकिन हर किसी का बताने का अपना तरीका होता है। और बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि किसी का तरीका समझाने का ऐसा होता है कि जल्दी समझ में आता है। तो मुझे लगता है जो मुझे कमेंट कर रहे हैं उनकी समझ में मेरा समझाने का तरीका जल्दी आ जाता है, इसलिए वो बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप हमें यह तरीका समझाइए, इसका साइड स्टैंड को बाईपास किस तरीके से करें। तो आप लोग यूट्यूब पर ज़्यादातर किस तरह की वीडियो देख रहे हैं इसकी साइड स्टैंड बाईपास की, कि ये मैग्नेट है, जो मैग्नेट ये मैग्नेट साइड मतलब साइड स्टैंड सेंसर पे चिपका दीजिए तो इसका साइड स्टैंड सेंसर बाईपास हो जाएगा। ये तरीका मैंने यूट्यूब पर देखा है, लेकिन मैं ये तरीका बताने वाला नहीं हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको करंट चेक करके, यानी करंट चेक करके किस तरीके से साइड स्टैंड सेंसर को बाईपास करना है। तो आपको जैसे कि ये स्विच है इसका, इसमें आपको सबसे पहले करंट चेक करना है, चाबी ऑन करने पे करंट चेक करना है। मैं चाबी ऑन कर लेता हूँ इसकी। अब आपको रेड वाली वायर है जो इसके अंदर, उसमें कोई पिन वगैरह लगानी है, ऑल पिन वगैरह इस तरीके से पिन लगानी है आपने। और अब इसमें मल्टीमीटर से चेक करना है, एक वायर अर्थ पे लगानी है और एक वायर इस पे पकड़नी है आपने। तो इसमें 4 वोल्ट है, चाहे आप साइड स्टैंड को खोलो या मत खोलो। ये साइड स्टैंड मैंने ओपन कर दिया, जब भी इसमें 4 वोल्ट है, और हम इसको बंद कर रहे हैं जब भी इसमें 4 ही वोल्ट। तो यानी कि चाबी ऑन करने पे इसमें परमानेंटली 4 वोल्ट रहते हैं। अब हमारी दूसरी वायर को देखते हैं, इसमें ये वाली हमारी दूसरी वायर, इसमें देखते हैं इसमें करंट कैसे आता है, यानी चाबी ऑन करने पे ही परमानेंट करंट रहता है। फिलहाल इसमें करंट नहीं है, साइड स्टैंड इसका बंद है। अब हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें 4 वोल्ट आ गया है, पहले वाली में 4 वोल्ट कुछ पॉइंट करंट था, इसमें 4 वोल्ट के समथिंग है। तो यानी कि साइड स्टैंड ओपन करने में करंट आ रहा है इसमें। अब तीसरी वायर को हम चेक करते हैं। तीसरी वायर मेरे ख्याल से ग्राउंड की होगी, ये ग्राउंड की वायर है। तो इसमें भी करंट देखते हैं दोस्तों। अगर ये ग्राउंड की वायर है तो इसमें करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आ रहा है। साइड स्टैंड खुला हुआ है, साइड स्टैंड बंद कर दिया तब भी करंट नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसके साइड स्टैंड को लगाते हैं तो मीटर के अंदर सिंबल दिखाना शुरू कर देता है साइड स्टैंड का, ये आप देख सकते हो। अब हम इसको बाईपास करने का तरीका सोचते हैं, देखते हैं। ये मैंने इस समय खोला हुआ है साइड स्टैंड, तो हम इसमें पिन लगाएंगे वायर में, एक ये वाली करंट की, जो दोनों वायर हैं उन्हें आपस में हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर दिए आपस में, मैंने दोनों वायर भिड़ा दिए और साइड स्टैंड भी हमारा लगा हुआ है और यहाँ पे सिंबल भी नहीं दिखा रहा है। अब देखते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है।